मैं डायरेक्ट क्यों नहीं कर रहा कि भाई ये कमांड जो है वो मैं बनाऊं और डायरेक्ट कमांड डॉट एग्जीक्यूट नन क्यूरी कर दूं, ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं कि पहले कनेक्शन ओपन कर रहा हूं फिर कमांड को एग्जीक्यूट कर रहा हूं फिर कनेक्शन क्लोज कर रहा हूं। तो ये बेसिकली अगर आप आगे जाके थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर्स पढ़ेंगे, तो उसमें ये चीज़ मज़ीद क्लियर हो जाएगी। आपको मैं हल्का सा एक आइडिया दे रहा हूँ, मैंने आपको वैसे बताया भी था कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो क्या कर रहा होता है, मल्टी टास्किंग कर रहा होता है, तो हर यूजर को थोड़ा थोड़ा टाइम देता है, सही है ना। तो अब उसमें क्या होता है, उसमें होता है ये कि मिसाल के तौर पे हर यूजर को वो इतना टाइम दे रहा है कि वो एक एक लाइन एग्जीक्यूट कर रहा है, और जाहिर है डेटाबेस है तो एक वक्त में उसमें मल्टीपल लोग जो है वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे होंगे। बेटा क्या इंपॉर्टेंट बात है मुझसे डिस्कस कर लो, है कोई इंपॉर्टेंट बात है? चल तो मैं आपसे ही कह रहा था कि हमारे पास जो है वो अगर तीन चार यूजर होंगे और वो डेटाबेस के साथ होंगे, मिसाल के तौर पे तीन चार हैं, दो तीन चार क्लर्क बैठे हुए हैं, या प्रिंसिपल साहब भी जो है ना वो काम कर रहे हैं, अगर स्कूल की बात करें, एक हॉस्पिटल के अंदर हर जगह पे मुख्तलिफ लोग एक ही डेटाबेस पर एक्सेस कर रहे हैं, तो वो सब जब एक जगह एक्सेस कर रहे होंगे तो एक वक्त में एक यूजर नहीं, बहुत सारे यूजर होंगे जो इस सिस्टम को यूज कर रहे होंगे। तो जब बहुत सारे यूज कर रहे होंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम सबको एक थोड़ा थोड़ा टाइम देगा ना। अब वो इस तरह टाइम दे रहे हैं कि हर एक की एक एक लाइन एग्जीक्यूट हो रही है, तो पहले यूजर की लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर दूसरे की एग्जीक्यूट होगी, फिर तीसरे के लिए, और तीनों के लिए पहली पहली लाइन एग्जीक्यूट हो गई, फिर तीनों के लिए दूसरी दूसरी लाइन एग्जीक्यूट हो गई, फिर तीनों के लिए कनेक्शन ओपन हो जाएगा। तो ये कनेक्शन जो है ना वो एक वक्त में एक का ही ओपन होना चाहिए, क्योंकि अगर मल्टीपल लोग कनेक्ट हुए हुए हैं एक डेटाबेस के साथ एक साथ, तो वो जब उसका ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो उसमें एरर आने के चांसेस हैं, ठीक है भाई। मिसाल के तौर पे एक यूजर ने जो है वो कोई चीज जो है वो ऐड करी, और फिर दूसरे यूजर ने ऐड करी, फिर तीसरे यूजर ने ऐड करी। अब पहला यूजर ये चेक करना चाह रहा है कि जो लेटेस्ट चीज ऐड हो गई है वो दिखाओ, तो वो तो उसकी दिखा देगा जो तीसरे यूजर ने ऐड करी है। मेरी बात समझ में आ रही? तो इसीलिए जो है ये कनेक्शन डॉट ओपन जो है ना और कनेक्शन डॉट क्लोज इस चीज को मेक श्योर करते हैं। इनकी लॉजिक ये है कि अगर किसी यूजर का कनेक्शन ओपन हो जाता है डेटाबेस के साथ, तो जब तक उसका कनेक्शन क्लोज नहीं होगा किसी और का ओपन नहीं होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? यानी ये यूं समझ लें कि आप समझ लें कि एक रूम है और उस रूम में इंटरव्यू हो रहा है और यहां लाइन लगी हुई है। अब एक बंदा इंटरव्यू उनके लिए अंदर चला जाता है, अब जब तक वो बाहर नहीं निकलेगा ना तो कोई दूसरा एंटर नहीं होगा, और वो जितनी भी देर लगाए, ठीक है मेरी बात समझ में आ रही है ना। तो यही ये इस क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी मल्टी टास्किंग कर रहा होता है, थोड़ा थोड़ा टाइम दे रहा होता है हर प्रोसेस को। अब यहाँ क्या होता है, उससे होता ही है कि मिसाल के तौर पर पहला यूजर आया, फर्स्ट यूजर, उसका कनेक्शन ओपन हो गया। अब जब कनेक्शन उसका ओपन हो गया तो उसका टाइम खत्म हो गया। अब दूसरा यूजर आया, उसके भी कनेक्शन ओपन की कोड एग्जीक्यूट होगा तो उसको वेट कराया जाएगा कि आप वेट करें, उसका कनेक्शन ओपन नहीं होगा। फिर तीसरा यूजर आएगा, वो भी यही लाइन जब एग्जीक्यूट करेगा तो उसको वेटिंग लिस्ट में डाल दिया जाएगा। फिर जब दोबारा पहले यूजर की बारी आएगी तो क्योंकि उसका कनेक्शन ओपन है तो उसके लिए कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगी और बाकी दोनों को वेट करना पड़ेगा। तो कभी भी ऐसा सिनेरियो नहीं होगा कि दो या दो से ज्यादा यूजर एक साथ इस क्यूरी को एग्जीक्यूट कर दें। ये बात अगर समझ में नहीं आई तो जरूरी नहीं है कि हर बार समझ में नहीं आए दफा करें, चिल करें, कोई मसला नहीं। मैंने बताया ना ये थोड़ा सा इन डेप्थ एक मसला है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, उसकी वजह से ये करना पड़ता है, सही, ठीक है, लेकिन करना जरूरी है, इसके बगैर होगा नहीं है। क्या करना है भाई? देखें, पढ़ाने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं ना, एक तो
स्कूल का तरीका होता है और एक मदरसे वाला तरीका होता है। मदरसे वाला तरीका होता है कि डेफिनेशन रट्टा लगा दो बस, सही ना, बाद में कभी ना कभी खुद ही समझ में आ ही जाएगा। स्कूलों में भी खैर कोई इतना अच्छा तरीका नहीं है, लेकिन चले इन थ्योरी जो है ना वो उनका वो थोड़ा समझाने को पड़ जाता है। तो खैर मैं ही कह रहा हूँ कि आप क्या करें, रट्टा लगा लें, सही है, समझ में आ जाएगा कभी ना कभी। तो एग्जीक्यूट नन क्यूरी जो है वो आप विदाउट कनेक्शन ओपन कर नहीं सकते। कनेक्शन ओपन करना पड़ेगा, एग्जीक्यूट नन क्यूरी कमांड एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी और फिर कनेक्शन क्लोज होगा, सही है, ठीक है। चले आप लोग चाय शाय पीकर आए, फिर मजीद।